ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। डीजल पेट्रोल रसोई के दामों में हो रही बढ़ोतरी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सोमवार को वाम दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जो नोएडा में भी सफल रहा। पार्टियां और तमाम विपक्षी पार्टियों को और जनता को लाम बंद करके पूरे देश के अंदर एक बड़े आंदोलन की और तैयारी होगी और मोदी सरकार को हाथ बैठने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसा आ जाओ, आप आ जाओ, फोटो ले लेंगे। बस बस आ जाओ, बस यहाँ आ जाओ। मैडम मैडम इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, केंद्र सरकार जिंदाबाद, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, डीजल पेट्रोल के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, के बड़े दाम वापस लो, और ये देखो मोदी का खेल, ये देख कर मोदी दे न सके, वो सरकार निकमी है, जो सरकार निकमी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकमी है, वो सरकार बदलनी है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 रसोई गैस की कीमतें वापस लो, वापस लो, वापस लो, डीजल पेट्रोल रसोई गैस केंद्र की मोदी सरकार को इस जुलूस के माध्यम से, रैली और प्रदर्शन धरनों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जनविरोधी नीतियों को जो वापस ले, डीजल पेट्रोल रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले। अगर सरकार डीजल पेट्रोल रसोई गैस की कीमतों को वापस नहीं लेती है तो वामपंथी दल पूरे देश के अंदर आज सरकार को एक चेतावनी देने के लिए सड़क पर उतरे हैं कि मोदी सरकार बहुत हो गया, जनता की बहुत आपने कमर तोड़ दी, जनता को बहुत अच्छे दिन आपने दे दिए, अगर आप सुधर जाओ, जनता के ऊपर हमले करना बंद करो, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों को वापस लो, डीजल पेट्रोल के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लो। अगर सरकार नहीं देखती है, सरकार अपनी नीतियों में सुधार नहीं करती है और डीजल पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश के अंदर वामपंथी पार्टियाँ, CPIM और तमाम जनसंगठन विपक्षी पार्टियों को लामबंद कर और जनता को साथ लेकर पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जो आंदोलन मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। इस धरने और प्रदर्शन के माध्यम से इस सरकार को हमारी खुली चेतावनी है। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे पेट्रोल का रेट 76 रुपये तक था, उस वक्त आपने क्या प्रदर्शन किए थे और आपने क्या कार्रवाई की थी सरकार के खिलाफ? जब मनमोहन की सरकार थी, जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े थे, वामपंथी पार्टी तब भी सड़कों पे थी और वही नीतियां हैं, मनमोहन सरकार की नीतियों को ही मोदी साहब आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस की और जो बीजेपी की नीतियों में कोई फर्क नहीं है, आर्थिक उदारीकरण की नीतियां वही हैं, उन्हीं नीतियों को कांग्रेस चल रही थी और उन्हीं नीतियों पे जो है भाजपा चल रही है। अंतर सिर्फ इतना है, कांग्रेस धीरे धीरे चल रही थी, मोदी सरकार बहुत तेजी के साथ आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरण की नीतियों को लागू कर रही है, जिनके कारण बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, श्रमिकों को, मजदूरों को, किसानों का उत्पीड़न बढ़ा है। ये सरकार जो है तमाम मजदूरों किसानों का गला घोट रही है, मजदूर और किसान के हालात खराब हुए हैं, देश के अंदर बेकारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और जनता के अंदर भूखमरी बढ़ी है और देश का मजदूर और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। कांग्रेस धीमे धीमे जहर दे रही थी और ये पूरा जो जहर दे करके गला काट करके जो पूरे जनता को तहस नहस करने, कांग्रेस के समय में जो दालों पर 200 रुपये तक की दाल बिकी थी, आज के रेट में दालों की महंगाई इतनी कम है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? दाल के रेट आज भी कम नहीं है, तमाम खाद्य वस्तुएं लगातार बढ़ी है, कांग्रेस के शासन में भी बढ़ी थी और आज भी बढ़ रही है और कांग्रेस के शासन को भी इन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया। उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार जब से आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, मजदूर और किसानों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा। ये सरकार पिछली जो है कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा, उन सरकारों से भी योगी सरकार, बदतर सरकार यूपी के अंदर आई है। जिस सरकार के आने के बाद
किसानों और मजदूरों के हालात खराब हुए हैं। योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार महंगाई बढ़ने के बाद भी मजदूरों को जीने लायक वेतन देने को तैयार नहीं है। अभी 5 तारीख को देश का मजदूर और किसान 5 लाख से अधिक लोग पार्लियामेंट को घेर करके बैठे और सरकार को कहा है कि सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों को वापस ले। देश का मजदूर और किसान मनमोहन सरकार की तरह इस मोदी सरकार को भी 2019 में उखाड़ फेंकेगा, ये चेतावनी 5 सितंबर की रैली में सरकार को दी गई है और आज के प्रदर्शन के माध्यम से यही चेतावनी है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपने ये आंदोलन किया था उससे पहले तो सरकार ने GST लागू किया, नोटबंदी लागू किया, उसके बाद में जो फर्जी राशन कार्ड कई करोड़ों पकड़े गए हैं उसके संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कहना चाहते हैं और मांग कर रहे हैं सभी को राशन मिलना चाहिए, जो पात्र है गरीब लोग हैं और उसमें जो सीलिंग लगा रखी है सरकार ने वो फर्जी नहीं है, जिनको सरकार फर्जी बता रही है। अगर किसी के घर में जो है 2-व्हीलर है तो सरकार उसको अमीर मान रही है, किसी के घर में पक्का अगर मकान है छत डली हुई है तो सरकार उसको जो अमीर मान रही है वो फर्जी नहीं है। सरकार के जो आंकड़े हैं वो गरीबी के रेखा को तय करने के वो गलत हैं। हम कहते हैं सबको सस्ता राशन दो, सबको रोजगार दो और ये सरकार ने वादा भी किया था। सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन नोटबंदी और GST के बाद रोजगार खत्म हुए हैं और तमाम रोजगार जो लगे हुए थे लोग थे वो भी बेकार हुए हैं। तमाम जो है कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगा हुआ मजदूर बेरोजगार हो गया है, रेडीमेड गारमेंट के उद्योग में काम करने वाला मजदूर बेकार हो गया है, IT सेक्टर पूरी तरह ठप हो गया है और तमाम उद्योग धंधों के अंदर आज काम नहीं है, बेकारी बढ़ी है। रोजगार देना तो दूर, जो रोजगार लगे हुए थे 70 लाख से अधिक लोगों का रोजगार नोटबंदी और GST को लागू करने के बाद गए हैं। आरक्षण का क्या, आरक्षण से आप क्या करेंगे? आरक्षण आज भी देश की जरूरत है और आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। आज तो तमाम योजनाओं को सरकार और जो BJP के जुड़े हुए लोग हैं उस पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन उन योजनाओं को सही तरीके से लागू करने का सवाल है। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून है उसके अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको ठीक किया जाए, लेकिन सरकार खाद्यान्न व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, IDS को खत्म करना चाहती है। तो आरक्षण आज भी देश की जरूरत है, आज भी दलित शोषित उत्पीड़ित लोग हैं जिनको आज भी जो समाज के अंदर एक टाइम की रोटी मुयस्सर नहीं है, ये अभी आज की वक्त की जरूरत है। आरक्षण वर्ग जरूरत है लेकिन आर्थिक पहलू को उसमें सामने जरूर रखा जाना चाहिए। क्या आरक्षण को जातिगत होना चाहिए? आरक्षण को आर्थिक आधार पर हम कहते हैं लेकिन जाति भी एक उसमें पहलू है, क्योंकि सामाजिक जितना आज का ताना बाना है देश के 70 साल आज़ादी के बाद भी आज भी जाति व्यवस्था कायम है, आज भी जाति के नाम पर उत्पीड़न होता है। एक स्वर्ण जाति का पंडित या ठाकुर या राजपूत उसकी जो स्थिति समाज के अंदर है वो एक दलित जाति के स्थिति नहीं है, तो जातिगत जो उत्पीड़न है वो अपनी जगह है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं जो है जोड़ करके रखना पड़ेगा, तभी हम जो है आरक्षण की नीति को सही तरीके से लागू कर पाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं जाति एक सभी जाति एक समान है, एक तरफ आप जातिगत आरक्षण रखना चाहते हैं, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देश के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन देश के संविधान में वो अधिकार होने के बाद भी क्या देश के अंदर समानता है? अगर समानता कायम हो जाए, अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म हो जाए, तो जातियों की व्यवस्था रहेगी नहीं, आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी अगर समानता का अधिकार लोगों को दे दिया जाए। अभी देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, भाई कहाँ मिल रहा है? कोई सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? सरकार उन चीज़ों को तो लागू करना चाहती है, अपने हित में करना चाहती है, तो ये सरकार की नीतियाँ हैं और खासकर जो भाजपा सरकार की नीति है जो जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहती है, धर्म व्यवस्था को कायम रखना चाहती है और जाति और धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा करके सत्ता में बना रखना चाहती है। गाय के नाम पर, भैंस के नाम पर ये तमाम दंगे कराए जा रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। धर्म निजी मसला है, जाति निजी मसला है, इनको जो राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन देश की आज दुर्भाग्य की बात है कि देश की राजनीति धर्म और जाति के इर्द-गिर्द घूम रही है। तो समानता कहाँ है? हम तो समानता की बात कर रहे हैं, समानता अगर कायम हो जाए ना जाति की जरूरत है ना आरक्षण की जरूरत है।
अगर समानता काम हो जाएगी आरक्षण समाप्त हो जाएगा उसके बाद बिल्कुल हो जाएगा, आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर सरकार सबको रोजी रोटी दे दे, सबको रोजगार दे दे, सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दे, शिक्षा की व्यवस्था कर दे, तो भाई आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। बीपी के मापदंड, जो मेहनत कश लोग हैं, जो कमाते हैं, नौकरी पैसा लोग हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, रेहड़ी पटरी पे अपना व्यवसाय करते हैं, ये तमाम लोग गरीबी की श्रेणी में आते हैं। और ये देश का बड़ा हिस्सा है जो गरीबी की रेखा के नीचे है, तो इन तमाम गरीबों के लिए योजनाएं तो सरकार लाती है, लेकिन योजनाओं का लाभ जो जनता को नहीं मिल जाता है। तो इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं कि गरीबी की जो सीमा है सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कोई तय ठीक नहीं है। सरकार राशन कार्ड के अंदर कहती है कि जो है घर में जो स्कूटर नहीं होना चाहिए, घर में एक टीवी नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आज के आधुनिक युग में एक गरीब से गरीब आदमी भी एक छोटा मोबाइल रख लेता है, एक घर में छोटा सा फोन रख लेता है, एक पंखा लगा लेता है, तो भाई वो अमीर थोड़ी हो गया। तो गरीबी के जो आंकड़े तय करने के सरकार के मापदंड है वो गलत है। इसलिए हम जो कहते हैं कि सरकार उन आंकड़ों को बंद करें, सभी को रोजगार दें, सभी को शिक्षा दें, सभी को स्वास्थ्य की व्यवस्था करें। इन्हीं मांगों को लेकर के आज सड़कों पे हैं और बढ़ती महंगाई है उस पर रोक लगाएं। डीजल पेट्रोल के ऊपर जो है तमाम टैक्स उन्होंने लगा रखे हैं, तमाम देशों के अंदर 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये जो है डीजल पेट्रोल बिकता है, पर हमारे देश के अंदर आज 80 रुपये डीजल पेट्रोल बिक रहा है। तो ये देश की जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा देश का सिस्टम है, उसके तहत जो है ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद।